हे दोस्तों, आप लोग सोचते होगी कि आईफोन में नया अपडेट कब आने वाला है व्हाट्सएप के थ्रू। तो आज मैं बताने वाला हूँ उसी टॉपिक पर। जैसे कि अपने को करना रहेगा व्हाट्सएप में सीधा डॉक्यूमेंट सेंड करना रहेगा। पहले तो अपने को डॉक्यूमेंट करके मतलब फाइल में सेव करना पड़ता था, अब नहीं लगेगा अपने को, सीधा हम डायरेक्ट डॉक्यूमेंट ही भेज सकते हैं। जो कि एंड्रॉयड मोबाइल में होता है वैसे उसमें भी होता है, होने लग गया है, जो कि अभी नया अपडेट आ चुका है दोस्तों। तो चलिए अपने को करना है कैसे उसको टॉपिक पर बताने वाला हूँ। उतना से पहले जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मोबाइल तक पहुँचते रहेगा। और कमेंट बॉक्स में बताना कि किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, उसी टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा। चलिए दोस्तों, अपने को सिंपली क्या करना है, यहाँ से व्हाट्सअप पर जाना पड़ेगा। व्हाट्सअप पर जाने के बाद यहाँ से अपने को इस बंदे को अपने को भेजना है, ठीक है। तो चलिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो यहाँ से अपने को इस तरह से क्लिक करेंगे। करने के बाद यहाँ डॉक्यूमेंट है, पहले सीधा फाइल का ऑप्शन आता था, अरे दूसरा टच कर दिएगा डॉक्यूमेंट। इस तरह से देख सकते हैं, चॉइस फोटो एंड और वीडियो, ठीक है। और इसमें चॉइस फाइल पहले इस तरह से आता था, जो कि अपने को इस तरह से सीधा कर सकते हैं, सीधा डॉक्यूमेंट करके भेज सकते हैं दोस्तों, ठीक है। इस तरह से है, तो जैसे कि अपने को भेजना रहेगा, मान लीजिए इसको भेजना है, तो सीधा यहाँ से अपना डॉक्यूमेंट बन जाएगा। देखो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो ये अच्छा अपडेट आ चुका है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपडेट को नए नए अपडेट जानने के लिए आईफोन के बारे में तो हमारे यूट्यूब चैनल को जैसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।